तो आज मैंने बनाए हैं मोमोज जो सबको बहुत पसंद होते हैं, बड़े हो या छोटे सभी की पसंद है मोमोज। और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं, अगर आप इनको घर पे बनाए ना तो वाकई में बहुत हेल्दी होते हैं। तो मैंने सभी सब्जियों को बारीक बारीक काट लिया है। जितनी भी सब्जियां आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है जो यूट्यूब में दिखाते हैं आपको उतनी सब्जियाँ डालनी है। हाँ, मेथी वगैरह नहीं डालते हैं, धनिया हुआ थोड़ा कम डालते हैं, धनिया को बहुत थोड़ा डालते हैं। और तो यहाँ पे मैंने लहसुन को भी भून लिया है और सूखी लाल मिर्च को दो से तीन मिनट तक मैंने अच्छे से बॉईल किया गैस पर, जैसे कि वो सॉफ्ट हो गई है। और इसमें एक स्पून ऑयल डालकर इसमें सबसे पहले डाला मैंने लहसुन, अदरक, प्याज और फिर डाली गाजर और सबसे एंड में डालूंगी मैं कैबेज, क्योंकि पत्ता गोभी सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, सबसे जल्दी सॉफ्ट हो जाती है तो उसको सबसे लास्ट में डालते हैं। तो पत्ता गोभी डालकर अच्छे से इसको मैंने सॉटे किया। दो से तीन मिनट में हमारी सारी सब्जियां पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये बन गई हमारी मोमोज चटनी। इसमें डाला मैंने हाफ नींबू का रस, क्योंकि थोड़ा फ्लेवर अच्छा लगता है, सब्जियां हैं इसमें मसाले नहीं हैं, थोड़ा खट्टापन अच्छा लगता है मुझे। तो देखिए एकदम परफेक्ट हमारी सभी सब्जियां पक गई हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें लगाऊंगी मैं चटनी का तड़का। तो इसमें मैं डालूंगी चटनी जो पिसी हुई है उसको डाल दूंगी, उसके बाद इसमें नमक डालूंगी और थोड़ा सा विनेगर इसमें। और मैंने इसमें थोड़ा दही डाला जो मैंने सूट नहीं किया है, क्योंकि दही क्या ना चटनी को थोड़ा खट्टा तीखापन कम कर देता, बच्चे खाएंगे और मेरी साथ में बन रही है दाल क्योंकि मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है, तो साथ साथ मैं वो भी बना रही थी। और मैंने यहाँ पे लगा लिया है मोमोज का डो। तो अब मैं फटाफट, हम अब बेटी दोनों लगे मोमोज बनाने में। तो हमें जितने भी डिजाइन आते थे मैंने सारे ट्राई कर लिए, क्योंकि खुद खाने थे ना तो जैसे भी बने तो असंकोच नहीं किया, सर जितने भी डिजाइन थे ना सभी को ट्राई किया। देखिए सारे मोमोज बन गए हैं, दो लोगों ने मिलकर बनाए तो बहुत सारे मोमोज जल्दी बन गए हमारे। और मैं इडली के बर्तन में रखूँ, क्योंकि ये इडली जो है ना ये हमारी इसका बर्तन काफ़ी बड़ा है, इसमें 24 इडली बनती है एक बार में। तो दो बार में सारे मोमोज हमारे बन कर रेडी हो गए, काफ़ी बड़ा बर्तन है ये। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से पक गए। तो हमारे सारे मोमोज रेडी हो गए और बेटे की काफ़ी ज़्यादा फरमाइश थी, काफ़ी दिनों से बोल रहा था मोमोज खाने मोमोज खाने, तो मैंने कहा क्यों ना आज बना लिए जाए। तो बड़ा खुश हो गया जब इसके सामने मैंने मोमोज की प्लेट रखी, तो बड़ा देखकर बड़ा खुश हो गया ये। और इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बच्चों के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि तीखे नहीं होते हैं, चटनी अवॉइड कर सकते हैं बच्चों के लिए और हेल्दी रहते हैं इसके।